असलम डेयर स्टूडेंट्स मैं ज़िशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर बेटा कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे अच्छी हेल्थ को इंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेशन दे रहे होंगे चलते हैं आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड इनर्टनेस ऑफ मेटल्स हमारे पास जो पहला मेटल है वो है सोडियम सोडियम पोटेशियम एलॉय एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर सोडियम और पोटेशियम का एलॉय हम यूज करते हैं

इन न्यूक्लियर रिएक्ट प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम वेपर लैंप्स सोडियम वेपर लैंप्स में एज ए सोर्स ऑफ येलो लाइट हम सोडियम एलिमेंट को यूज करते हैं रेड्यूसिंग एजेंट्स इन एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल्स जब हम किसी मेटल को उसके सॉल्ट से आइसोलेट करते हैं तो इस प्रोसेस में भी सोडियम यूज होता है यूज़ेस ऑफ मैग्नीशियम, फ्लैश लाइट बल्ब फायरवर्क्स, फ्लैश लाइट बल्ब में और फायरवर्क्स में मैग्नीशियम यूज होता है लाइट एलॉयज मैन्युफैक्चरिंग ऐसे एलॉय जो लाइट इन वेट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हम मैग्नेशियम मेटल को यूज करते हैं मैग्नेशियम रिबन इज यूज इन थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनियम पाउडर एग्निशन में मैग्नेशियम रिबन यूज होता है इन द थर्माइट प्रोसेस थर्माइट प्रोसेस से एक्चुअली हम एल्यूमिनियम को गेन करते हैं फ्रॉम इट्स ओर ओर मीन सॉल्ट यूज एज एनोड टू प्रिवेंट कॉरिजन कॉरिजन को प्रिवेंट करने के लिए बी मैग्नीशियम यूज होता है एज एन एनोड और हमने कॉरिजन प्रोसेस अंडरस्टैंड किया है लास्ट चैप्टर में एनोड आयोनाइज होने के बाद यानी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने के बाद पहले चला जाता है इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में और वहां से आफ्टर रिडक्शन डिपॉजिट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड यानी ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग करना चाहते हैं यूजेस ऑफ कैल्शियम माई डेयर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कैल्शियम इज प्रेजेंट ग्रुप सेकेंड रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शन जो हमें गेन होती है आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है तो सल्फर की रिमूवल के लिए हम कैल्शियम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट प्रोड्यूस क्रोमियम यूरेनियम एंड जर्कोनियम डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके ओर से उनके सोल्ट से आइसोलेट करने के लिए भी हम कैल्शियम यूज करते हैं इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स माई डेयर स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है ग्रुप फर्स्ट को ग्रुप सेकंड को यानी अल्कली मेटल्स को और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स को लेकिन प्रियोडिक टेबल के मिडल में कुछ अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं, जो मौजूद होते हैं ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप ट्वेल्व तक और इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकेंड नेम भी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन है मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक एंड नॉन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है डी वन टू डी टेन एक्चुअली तीन सीरीज में जिनको हम ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। पहली ट्रांजिशन सीरीज से स्टार्ट होती है और उसका एंड होता है जिंक पे। दूसरी ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है से और उसका एंड होता है कैडमियम पर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है लेंथनम से और उसका एंड होता है मरकरी पर हर ट्रांजिशन सीरीज में टेन एलिमेंट्स होते हैं इट्स मीन टोटल थर्टी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन थ्री ट्रांजिशन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनके ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज और इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरली एक से ज्यादा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं और इनकी कम से कम एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी होती है जो कलर प्रॉपर्टी शो करती है इसीलिए इनके ऑक्साइड्स इनके कंपाउंड्स यूज होते हैं पेंट इंडस्ट्री में और डाइस में अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिल्वर माय डेयर स्टूडेंट्स सिल्वर प्रेजेंट होता है इन द ग्रुप अलेवन ऑफ द प्रियोडिक टेबल इस ग्रुप में बेसिकली तीन एलिमेंट्स शामिल हैं एक है सिल्वर दूसरा है कॉपर और थर्ड है गोल्ड और बेसिकली ग्रुप अलेवन एलिमेंट्स को हम कहते हैं क्वाइनेज मेटल्स क्योंकि ये क्वाइंस बनाने में यूज होते हैं इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टेंस होती है और ये हाईली इनर्ट होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते इसीलिए इनको इनर्ट मेटल कहते हैं अगर तीनों का कंपैरिजन किया जाए यानी कॉपर का सिल्वर का और गोल्ड का तो इन तीनों में कॉपर रिलेटिवली ज्यादा रिएक्टिव है जबकि सिल्वर और गोल्ड हाईली इनर्ट हैं, इनकी आयोनाइजेशन इनर्जी ज्यादा होती है ये आसानी से केटन में चेंज नहीं हो पाते वाइट लस्ट्रस मेटल सिल्वर वाइट कलर है और ये लस्ट्रस होता है यानी इसकी सरफेस शाइनी होती है ब्राइट होती है एक्सीलेंट कंडक्टर नो डाउट सिल्वर ट्रांजिशन मेटल है इसकी क्रिस्टल लेटस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी डक्टाइल एंड मेलियबल डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी माय डेयर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मेटल को हम चेंज कर सकते हैं शीट्स में भी और वायरस में भी इसलिए सिल्वर कन्वर्ट हो जाता है शीट्स में भी और वायरस में भी पॉलिश्ड सरफेस और गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट जब हम सिल्वर की सरफेस को पॉलिश कर लेते हैं यानी स्टेन्स उसमें से रिमूव कर देते हैं तो इसकी सरफेस शाइनी हो जाती है लस्ट्रस हो जाती है ब्राइट अपीयरेंस शो करता है आफ्टर पॉलिश फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड सल्फाइड ऑन इट्स सरफेस मेक इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव। एक्चुअली सिल्वर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्साइड बना लेता है सल्फर के साथ कंबाइन होके सल्फाइड बना लेता है सिल्वर ऑक्साइड की लेयर सिल्वर सल्फाइड की लेयर इसे अनरिएक्टिव बना देती है फॉर द फर्दर रिएक्शन यूज इन क्वाइंस सिल्वर वेयर ऑर्नामेंट क्वाइंस में सिल्वर वेयर में और ऑर्नामेंट में सिल्वर यूज होता है यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म मिरर्स, डेंटल प्रेपरेशन फोटोग्राफिक फिल्म में इसलिए यूज इस होता है कि अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का और मिरर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है यानी हम ग्लास को जब मिरर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सिल्वर यूज होता है और डेंटल प्रेपरेशन में भी आर्टिफिशियल टीथ की प्रेपरेशन में भी सिल्वर को हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूज़ेस ऑफ गोल्ड येलो सॉफ्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल। अगर गोल्ड प्योर है तो उसका कलर येलो होगा ये सॉफ्ट होता है मैलिएबल एंड डक्टाइल है यानी इसको भी हम शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन रिएक्टिव और इनर्ट जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप 11 एलिमेंट्स हाईली अनरिएक्टिव है कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ये इजीली केटाइन में कन्वर्ट नहीं हो पाते इसलिए अनरिएक्टिव कॉन्सिडर होते हैं ड्रॉन इंटू वायर्स ऑर्नामेंट्स यूजेज ऑर्नामेंट बनाने में भी यानी जेवर की प्रेपरेशन में भी हम गोल्ड को और सिल्वर को यूज करते हैं कॉइन्स मेकिंग में टू सॉफ्ट एलॉयड विद कॉपर सिल्वर और अदर मेटल बेसिकली प्योर फॉर्म में हो गोल्ड तो ये वेरी सॉफ्ट है इसलिए ऑर्नामेंट प्रेपरेशन में हम इसका एलॉय यूज करते हैं विद अदर मेटल जस्ट फॉर गेनिंग द टफनेस एंड फॉर शेप कॉपर के साथ सिल्वर के साथ या अदर मेटल के साथ गोल्ड का अलॉय यूज होता है फॉर द ऑर्नामेंट प्रेपरेशन माय डियर स्टूडेंट्स आपने आज के लेक्चर को रिव्यू करना है और नोटबुक पर यूजेस ऑफ मेटल भी नोट डाउन करने हैं तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज